Assalamualaikum to everyone। तो आज मैं आप लोगों की बहुत ही पसंदीदा रेसिपी लेके आई हूँ, चिकन फजीटा पास्ता की रेसिपी। जैसे कि पास्ता तो सभी को पसंद होता है, तो आइए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 5-6 टेबल स्पून ऑयल लेंगे। ऑयल में हम चिकन ऐड करेंगे। 200 ग्राम चिकन ली है मैंने। चिकन को हम जब तक कुक करेंगे जब तक चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता। जैसे ही हमारी चिकन का कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा, हम इसमें स्पाइसी ऐड करेंगे। सबसे पहले हम 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। इसमें नमक मैंने पास्ता बॉईल करते हुए ऐड कर लिया था, तो हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून के बराबर। अब हम 1/2 टीस्पून पपरिका पाउडर लेंगे और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर लेंगे, और दोनों को मिक्स करके हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह सारे स्पाइसेस को हम चिकन में मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको 5 मिनट्स कुक होने के लिए रख देंगे। 5 मिनट्स कुक करने के बाद अब हम इसमें और चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे पहले हम पीली शिमला मिर्च ऐड करेंगे। इसमें 1/2 पीली शिमला मिर्च ली थी मैंने, और इसको कट करके हम ऐड कर देंगे इसमें। ग्रीन और रेड शिमला मिर्च ऐड करेंगे हम इसमें। अब हम इसमें चॉप हुई हुई गार्लिक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के बराबर, और सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ऑरिगेनो ऐड करेंगे हम इसमें 1 टीस्पून। अब हम इसमें चेडर चीज़ ऐड करेंगे। चीज़ आप लोग जितनी भी डालना चाहें आप लोग डाल सकते हैं। चीज़ को हम मेल्ट होने के लिए रख देंगे। चीज़ हमारी मेल्ट होना शुरू हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। अब हम इसमें 2-3 टेबल स्पून क्रीम के ऐड करेंगे, और अच्छी तरह हम क्रीम को मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार पास्ता बनके तैयार होता है ये। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब हम इसमें पास्ता ऐड कर देंगे, बॉयल पास्ता ऐड करेंगे हम इसमें। 2 कप के बराबर बॉयल पास्ता ऐड करेंगे हम इसमें। बॉयल पास्ता ऐड करने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे मसाले में। अच्छी तरह मिक्स करना है हमने पास्ते को मसाले में। बहुत ही आसान रेसिपी से ये मज़ेदार पास्ता बनके तैयार होता है, तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। आप लोग देख सकते हैं ये दिखने में कितना मज़ेदार लग रहा है, तो टेस्ट में कितना मज़ेदार होगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, ताकि आप लोगों को आने वाली हर रेसिपीज़ मिलती रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।